ऐसे पवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आवेगा तो लक्ष्मण तू प्रतिज्ञा कर लिया मारने की, हम तुम तो क्या गिनती में संसार भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण से भी चुनौती दे दी थी सुलोचना, लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा हूँ घननाद को हूँ मैं अति बलवान। लगनाद लखन जी का लड़ना बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था, जो अवधपुरी में बैठी उर्मिला उस तपसिल से रण था मेरा, पतिदेव को रखूंगी यह महा कठिन प्रण था मेरा। मेरे पति को कोई मार नहीं सकता, लेकिन मेरे पति उसके साथ ही थे, पर पत्नी जो हर लाया है बस इसी एक कमजोरी ने, यह दिन मुझको दिखला है। वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो खुद मर सकता है और मरकर फिर अपने प्राणों का तन में प्रवेश कर सकता है। इसको ऐसा मारना, एक तो उसका पति कसी इस धरती में गिर गया तो अब संसार भस्म हो जाएगा, दूसरी बात उस शीश के आधार से अपनी जय और पराजय दोनों। भगवान राम शीश लेने के लिए रामदल में पहुंची, भगवान राम उठकर के खड़े हो गए, लक्ष्मण भी उठ के खड़ा हो गया और पूरा रामादल कांप उठा उस सत्य के आभा के आगे, भगवान राम भी सत जाए प्रलय प्रतिमा के आगे। और फिर कहा, देवी आज तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूँ, क्या आदि आप लंका का राज चाहिए आपको, आपके पति को जीवित कर दूँ, जितने राक्षस हैं उन सबको जीवित कर दूँ कि तेरे पति अकेले जीवित करूँ। भगवान बोले, आप राघव, हे राघवेंद्र, आप सच्चाई जग को प्यारी है, आपने जो कह दिया वो मेरे हित की बात है, लेकिन मेरे पति असत्य के अन्यायी के साथी हैं, मरकर फिर यह सदगति को प्राप्त नहीं होंगे, जो आपके हाथ से मरकर के सदगति को प्राप्त होंगे, इसलिए भगवान मैं वो फिर मेरे पतिदेव आपके संग्राम भूमि में बाणों से छत विच्छत होकर के स्वर्ग सिधार हैं और उसकी पत्नी वो स्वर्ग से नरक में ला, यहाँ ऐसा वरदान मैंने मांगूंगी। फिर मैं त्रिलोक विजय रावण की वधु हूँ, मेरा स्वर तीनों लोकों का जीता हुआ मेरा पति है और ऐसी वीर की पत्नी है कि जरा से भिखारिन बने ऐसा भी नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, देवी वास्तव में आप लंका के उस मरुस्थल में गंगा की पावन धारा हो, ये देवी तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है, राम उनको प्रणाम किए। तो जितने भी व्रत हैं उन सबसे ऊंचा है धर्मपति व्रत का, संसार मानता है लोहा सतवंती के सबका, अभी धर्मपत्नी पतिव्रता है तो उसके पति को भगवान भी नहीं मार सकता।